हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू सेव फॉर विद पुलिस। भैया, पुलिस से कैसे बचें? भाई, अगर आगे पीछे पुलिस पड़ चुकी है तो आप किस तरीके से बचें? सबसे पहले इसको फुल कर लेता हूँ और चलता हूँ शॉप में। ठीक है गाइस, शॉप में जाने के बाद ना भाई, मैं यहाँ पर अपने आइटम शुरू कर ले आऊँगा। यहाँ पर अपने सपोर्ट से फुल कर लेता हूँ। हेल्थ तो मेरे पास है ही, तो भाई मैंने तो बाइक कर लिया। मैं करता हूँ प्ले। ये भाई आर्मी जीप, एवरीडे लाइक ऑन आर्मी। मैं बोल रहा है कि आर्मी की तरह तुम भी दिखोगे। तो भाई आर्मी की जीप को लेने का क्या मतलब, क्या ज़रूरी है कोई क्या उसको लेने का? नहीं ना, तो भाई मेरे को तो नहीं लेने का है। भाई भाई, सबसे पहला काम भाई, अरे इधर क्या भाई, इधर दो पुलिस की कार रहनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। उनको पता था कि मैं यहीं पर आने वाला हूँ। ए हेडशॉट, चलो भाई उसको तो मैंने मार डाला। भाई मैं ना जा रहा हूँ इसको हैवी गन में, हैवी गन में लेना पड़ेगा मेरे को मेरा गन। मैन दिस गन, वाह भाई, टू स्टार पुलिस पकड़ रही है अभी। बस आजा भाई, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ओ भाई, अब इधर ये दो गाड़ियाँ और हैं बची। अरे वो तो भाई इसको लग गया, थोड़ा जल्दी से, कोई बात नहीं। अरे यार, आ जा भाई, देख सकते हैं भाई मैं सब आ चुका हूँ बढ़िया वाले रेड जोन में। 4 स्टार की रेटिंग भाई अभी मेरे पर। मैं इसको ना 5 स्टार की रेटिंग करने वाला हूँ। जी गाइस, 5 स्टार मतलब सबसे हार्ड आर्ट पुलिस। इसमें भाई आपके पास टैंक भी आने वाली है। तो गाइस, किस तरीके से आप बचें टैंक से भी? सारे यार ऐसे नहीं बचने का है, सबसे कैसे बचें? तो गाइस सबसे, अरे मेरे को सारी की सारी तरफ से इन लोगों ने रोक लिया। भाई फोड़ने का तरीका ऐसे फोड़ डालो। गाइस मैंने यहाँ पर किसी को छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। भाई ये लोग तो यार आपस में आके लड़ जाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, देख सकते हो गाइस मेरे पीछे पड़ चुके हैं 5 स्टार पुलिस, मीन सबसे हार्ड पुलिस। तो गाइस अब हम चलते हैं बचने पुलिस से। कैसे बचेंगे बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस पहला ठीक है, फ्राई करिए आप। आप फ्राई करके जाके किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके ऐसे बैठ जाइए। गाइस अगर आपको, अगर वो देखो भाई उधर आपको टैंक दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको पुलिस को बाय बाय कहना है, मतलब कि उसकी पुलिस को रेट को हटाना है, तो आपको बस हंसी रहना है। लेकिन अगर आपको यहाँ से दवाई मचानी है तो आप अपनी ग्रेविटी गन से यूज करके टैंक को भी यहाँ पर बुला सकते हैं, पैसे खरीद भी सकते हैं आसमान में। भाई वो तो गया भाई, देखो भाई वो किधर जाके गिरता है। तो मेरे को भाई इस वक्त पुलिस के रेटिंग बताने हैं। मैं यहाँ पर किसी भी गन को शूज नहीं करता हूँ, मैं बस मैं यहीं पर रहता हूँ। और हूँ मैं यहीं पर तो मैं ओपन कर लेता हूँ। अरे यार ये रहा पीछे तुम्हारी इस तरफ। भाई ये तो हो चुका है ओपन। और भाई इतना मुझे एमओ भी मिल चुके हैं। अरे इतना छोटा सा रास्ता, वाह भाई वाह। ऊपर मैं चढ़ चुका हूँ गाइस, यहाँ पर पुलिस आने तो नामुमकिन है। और देख सकते हैं 5 स्टार है इस वक्त। मैंने किसी को भी अभी तक नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो भाई पुलिस की रेटिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस जंपर का यूज करके भी आप बच सकते हैं भाई। देख सकते हैं भाई उतनी सारी कार है नीचे पुलिस की,
इतनी सारी कार है, माने का मन कर रहा है लेकिन भाई मुझे अभी पुलिस के वेटिंग्स पहुँचाने हैं। तो भाई फ्लाई करो और जाके सबसे ऊंची बिल्डिंग पे बैठ जाओ, क्योंकि भाई अगर हम कुछ की तबाही नहीं मचाएंगे, किसी को भी नहीं मारेंगे, तो भाई वो लोग रेड जोन अपने आप ख़त्म हो जाएगा भाई हमारा। भाई मैं आ चुका हूँ उस वक्त, भाई यहाँ पर भी स्काई ड्राइवर का पॉइंट भी आ चुका है, लेकिन भाई मेरे को अपने तो पूरा नहीं करने का है और भाई मेरे को फ्लाई नहीं करने का है। भाई आप ऐसे उड़ते रहिए अपनी फुल स्पीड में, आपका रेड जोन ख़त्म हो जाएगा। भाई मैं नीचे नीचे लूँगा लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर किसी को मारूंगा नहीं तो भाई मेरा रेड जोन नहीं ख़त्म होगा। चलो भाई मेरे को तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई देख सकते होंगे आपके जो स्टार्स हैं वो ब्लिंक कर रहे होंगे, भाई मेरे भी ब्लिंक नहीं कर रहे, उसको हमको ब्लिंक करवाना है। तो भाई मैं सिर्फ फ्लाई कर करूँगा यहाँ पर, ये भाई इसलिए जगह है यहाँ पर, भाई मिलिट्री वाले में पुलिस की कार नहीं आ पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों तरफ से पानी और हम यहीं पर रह सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं आपके स्टार्स ब्लिंक कर रहे हैं, भाई जब आपके स्टार्स ब्लिंक करते हैं मीन भाई आप रेडियो से बाहर आने वाले हैं। अरे भाई ग्रेनेड गलती से फ्लिप हो गया यार, एक काम करता हूँ इस ग्रेनेड को ना भाई पानी में फेंक देता हूँ। हाँ भाई अच्छा गया मैं, भाई देख सकते हैं भाई हमारा यहाँ पर तो भाई रेड जोन में चुका है काम, और इस भाई इस ग्रेनेड को ना भाई मैं इतनी दूर लाने वाला हूँ कि भाई ये पानी में जाएगा, पानी में फेंक जाएगा, बाद में लगता है पानी में भी डांस चलता है। भाई आवाज़ तो यहीं से आ रही है लेकिन भाई, अरे वाह भाई वाह मछली, मेरे को डूबने का नहीं है तो मैं तो ऊपर चढ़ गया। देख सकते हैं भाई पहले ट्रिक काम हमारी कर चुकी है, रेड जोन हो चुका है ख़त्म। भाई मैं जा रहा हूँ फिर से पुलिस को बुलाने, क्योंकि भाई मेरे दूसरी ट्रिक को भी हमें चेक करना है भाई, क्या मैं दूसरी ट्रिक काम की है भी या फिर नहीं। तो भाई मैं अपने यहाँ पर ग्रेविटी गन का यूज़ कर लेता हूँ हल्की सी तबाही मचाने के लिए। ओ भाई ये देखो भाई रेड जोन में मैं आ चुका हूँ, और भाई मैं कार को इतनी ऊपर पर फेंक रहा हूँ कि गाइस मुझे तो नहीं लगता भाई कि अब पुलिस गन से बच पाएगी। भाई ये रे मोटरसाइकिल, इस मोटरसाइकिल पर मैं बैठ जाऊँगा, देख भाई पानी में आ जाओ बस भाई पुलिस है, ये रहा आ जा भाई, इधर गया भाई वो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, टैक्सी भी है जो भाई मैं सको ना भाई फुटबॉल की तरह उड़ाने वाला हूँ। तो भाई ये सब कार है पता नहीं किधर जाकर गिर रही हैं, वो भाई इतनी दूर आके गिर रही है भाई ये कार, देख सकते हैं भाई। अरे ये तो भाई COVID-19 वाला है, अरे मेरी गन तो रिलोड कर रहा था ये तो किसको दिया भाई। चलो गाइस कोई बात नहीं, 2 स्टार पुलिस आ चुकी है भाई, मैंने भाई इसको इतना दूर फेंकने वाला हूँ कि डायरेक्ट जाएगा उतना दूर, ये भाई देखता हूँ उसको मैं। अरे भाई ये तो पानी में चला गया, अरे भाई ये तो डूब भी गया। गाइस पुलिस की कार तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है, ओ भाई तुम भी जाओ यार पानी के थोड़े से सैर करके आओ। भाई इस कार को भाई मैंने तो फेंक दिया है, ये आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है उसे पता नहीं है कि यहाँ पर भाई सबकी मौत का तो मातम चल रहा है। तो भाई चलिए कोई भी बात नहीं, यहाँ पर भाई इस पुलिस को कार को भी फेंक देता हूँ। ओ भाई आ जाओ तुम फिर से वापस, जाओ इस बार लॉन्ग टूर पर आ जाओ।
गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अपने पिछले 3 स्टार पुलिस लगा ली है। तो वो देख सकते हैं भाई उड़ने वाले रॉबर्ट शायद आ चुके हैं। ओ भाई ये लेडी भी मुझे मार रही है। वो देखो उड़ने वाला रॉबर्ट, ये लोग मरते नहीं है जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई कार, जाओ भाई जाओ, डायरेक्ट पानी में जाना भाई। वहाँ से मैं कार को मंगा कर देख सकता हूँ क्योंकि भाई ग्रेवी गलती ना भाई, स्पीड ही नहीं बाकी सब कुछ इतना तेज रहता है भाई साहब। ये ग्रेविटी गन सबसे बढ़िया गन, मेरी फेवरेट गन भाई। देख सकते हैं भाई 3 स्टार पुलिस अभी तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर तो इस 3 स्टार पुलिस भाई पकड़ने का सबसे आसान तरीका, अरे भाई रात भी होने वाली है और 3 स्टार पुलिस को भी तो पकड़ना है, पकड़ने का नहीं भगाने का है। इस भाई साहब को पहले भगा देता हूँ। ओ भाई इस एरोप्लेन से भी कैसे बचो। ओ भाई क्या शॉट मारा है भाई मैंने भाई इस ग्रेवी गन में ना भाई, यही बात ख़राब होती है भाई। तो मेरी गोलियों को बचा ले रहा है, परफेक्ट यार मेरी गोलियां बच जा रही हैं। लेकिन ये नीचे से लोग आ रहे मारने, आ जा भाई मेरे को बचा। अरे ये तो ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट आ गया। तो भाई मैं ना भाई बहुत ही पूरी तरीके से तो कितने वाला हूँ इन लोगों के बीच में। तो भाई मुझे करना पड़ेगा अपने इस हैवी गन का यूज उनको भाई मजा चखाने के लिए। और भाई दोनों के बगल मेरा ये शॉट गन ही काफ़ी है। भाई मैं तो इस डर उनको ख़त्म करने वाला था लेकिन इन लोगों ने तो भाई मेरे को फंसा दिया है रेड गन के चक्कर में। तो भाई मेरे को एक कार मिल चुकी है भाई, इस कार में मेरे को बैठने का है। जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ 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 ऐसा आ गया इसमें तुझे। बैठ गया मैं इस कार में और हमें जाने का है यार स्टेडियम पे। नहीं भाई स्टेडियम आपके पास ही है। तो भाई ये रहा भाई मेरी दूसरी स्टेज जिसका तो ये मिलिट्री के जो एरोप्लेन है भाई ये भी नहीं पकड़ पाएंगे। आई नो भाई ये लोग आ चुके हमें मारने के लिए। भाई मिलिट्री के एरोप्लेन हेलीकॉप्टर ज़्यादा देर तक हमें छोड़ते नहीं हैं। लेकिन गाइस फिर भी ये चीज कितनी खतरनाक है यहाँ पर ना गाइस, हमें यहाँ पर हमें कोई भी नहीं मार पाएगा। देखो भाई एक रात हमने बिता ली भाई यहाँ पर। अरे यार अभी तो यहाँ से बाहर निकलने का है, वो भी मिलिट्री के एरोप्लेन हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगी, हम उसे मारेंगे भी नहीं लेकिन फिर भी वो वापस खून के चली जाएगी। तो गाइस मैं इसमें करने वाला हूँ ऐसा काम। दो भाई आ गया वो, चलो भाई चलो इसके अंदर जाओ। अरे उसने तो मेरे को अभी पकड़ा हुआ है। नहीं गाइस वो मुझे यहाँ पर नहीं पकड़ सकता क्योंकि गाइस ये जो एरिया है ना भाई ये मेरा एरिया है। और भाई मैं चाहूँ ना तो इसे भी मार सकता हूँ। मैंने इसे मार दिया। गाइस आप ना स्टेडियम में अगर भाई बाहर कार भी चला सकते हैं राउंड ऑफ राउंड तभी भी आपका रेड जोन तो भाई ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आप स्टेडियम के यहाँ पर आके ऐसे बैठे। देखिए अभी आपका ये स्टार होगा वो ब्लिंक नहीं कर रहा होगा, मींस भाई अभी आपका जो रेड जोन है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन गाइस आपको चिंता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका रेड जोन है ना भाई वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि भाई देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी सायरन की आवाज़ नहीं आ रही है। और भाई वो रही वो कार, उन लोगों को तो पता भी नहीं है भाई कि मैं यहीं पर हूँ।
मैं अपनी गोली चला तुम्हें पता ना रे, फिर से आ जा तू। भाई वो लोग ना यार छोड़ते नहीं है भाई। भाई मेरा भाई सब माने का नहीं है, वो भाई मार रहा है दीवार में, मुझे बचा लिया। फिर भी मैं इस साइड से उसको देख सकता हूँ, मैं उसको मार नहीं सकता। उसकी गोली तो मेरे को टच भी नहीं कर पा रही है। लेकिन गाइस फिर भी हमें उस मिट्टी के एरोप्लेन का एक काम नहीं मिलना चाहिए, वो हमें ढूंढ कर मारेगी। मारो एक साथ दो दो गोली। चलो भाई उसका भी उसका काम तमाम। लेकिन गाइस मैंने भाई उन्हें मार के पुलिस वालों को भी इनवाइट कर लिया है। तो भाई पुलिस की कार ना भाई यहाँ पर नहीं आती, तो गाइस इसी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गाइस मेरे भाई मारने का मन कर रहा है इन लोगों का, लेकिन अभी मैं हूँ अपने दूसरे मिशन पे, जिस मिशन में भाई मुझे मारने का नहीं है, मुझे बस इन लोगों को भाई उनसे पीछा छुड़ाने का है। तो गाइस आप स्टेडियम पे आ गए हैं, तो भाई आपको उनके नजरों से थोड़ी थोड़ी देर तक बस बचके के लिए रहना है। जैसे कि उसमें थोड़ा टाइम लगा था, वैसे इसमें भी टाइम लगेगा। तो मुक्के को ले लेता हूँ, क्योंकि भाई मुक्के से माने बने। अरे फिर से नहीं यार, फिर से आ गया ये एरोप्लेन। एरोप्लेन की तो वाट लगानी पड़ेगी इस बार। मतलब भाई एरोप्लेन ने अपने आप को समझा क्या है, तो जब मन करे तभी आ जाएगी। भाई जिसको तो मैंने मार लिया है, और लगता है हमारे पास बस 4 ही स्टार की पुलिस पकड़ी हुई है भाई हमें को। तो मुझे चाहिए टोटल 5 स्टार की रेटिंग। गाइस मुझे ना भाई अपने आप पर 5 स्टार की रेटिंग आ चुकी है हमारे पास, और भाई हमें यहाँ पर चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 5 स्टार की वेटिंग में भाई आ जाते हैं यहाँ पर टैंक भाई साहब। और गाइस हमारा तो भाई अरे रे 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 बाहर नहीं गिरने का, उस टैंक को मार दूँ क्या? चाहूँ तो मारूँ, चाहूँ तो ना मारूँ, पानी में फेंक देता हूँ बेचारे को। जावा अरे इसको तो मैंने अपने ही घर के अंदर बुला लिया। चलो भाई इसका तो अभी काम तमाम करने का ही है, क्योंकि भाई अभी भी ये बाहर नहीं गिरी है। ओ नो यार ये टैंक है कि क्या है, इस बार भाई इसमें बाहर गिरा कर ही रहूँगा। ये लो अब ये देखते हैं कि ये किधर जाके गिरती है, कितने दूर पानी में। और ये भाई मेरी स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ गई पानी में, मैं भी स्पीड में जा रहा हूँ पानी में। तो भाई वो रे भाई वो मुझे पानी में भी चल के मार सकती है। तो भाई वो टैंक है भाई, मिलिट्री की टैंक है। भाई देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टार ब्लिंक कर रहा होगा, तो मेरे तो नहीं कर रहा है इस वक्त, पता नहीं क्यों। जल्दी जल्दी मुझे दौड़ना होगा भाई, भाई जल्दी चल रो फिरो। भाई यहाँ पर मेरे पास इतने सारे भाई आ चुके हैं, 3 हैं मेरे पास। तो भाई 5 स्टार की रेटिंग की पुलिस सब हमें पकड़ते हैं, तो भाई इसमें टैंक के पहले आता है। तो भाई ये भाई स्टेडियम है हमारा दूसरा ट्रिक। और गाइस इससे बचने का ना भाई बस हमारे पास एक दो ही ट्रिक है, एक और ट्रिक है भाई स्टेडियम से। भाई वो थोड़ा सा लेट में भागेंगे, अगर आप फ्लाई करके भागेंगे तभी भी आपका स्टेमिना ख़त्म होगा। और भाई आपको भाई अपने मतलब भागना पड़ेगा, हेल्थ भी ख़त्म हो गया अगर पुलिस की हेलीकॉप्टर आ गई तो। तो भाई एक सबसे आसान सा ट्रिक है जिसको आप यूज करके कभी भी बच सकते हैं। तो भाई मेरे पीछे देख सकते हैं 5 स्टार की पुलिस पड़ी हुई है, अभी तक वो पुलिस ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि भाई स्टेडियम बहुत टाइम लगाता है। फिर मैं ना वैसी जगह जा रहा हूँ यहाँ पर भाई, अरे रे 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 दूसरी टैंक आ गई वहाँ पर भाई, जिससे भाई मेरा ख़त्म हो जाएगा तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैप में, यहाँ पर इसको यूज़ कर लो, एंटर दूंगा एरिना या फिर स्काई डाइवर
जबकि टैंक मैडनेस, जबकि शूटिंग, यहाँ पर जितने भी क्वेस्ट हैं आप किसी भी क्वेस्ट को चालू कर सकते हैं। अगर मैंने बस बाई चांस मैं इसको चालू कर लिया, अगर मैंने चालू कर लिया तो भाई देख सकते हैं एक सेकंड में पुलिस चली जाएगी। पुलिस को जाने के लिए ना भाई एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं तुरंत चली जाएगी। कोई क्या करना पड़ेगा भाई मेरे को, क्योंकि भाई ये इसका ही ड्राइवर है, बस की ड्राइवर में तो भाई इसका काम पड़ता ही है। आई एम रेडी रेडी भाई रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। उधर रहा भाई तो मैं ऐसे जंप कर लेता हूँ। तो भाई ये रहा मेरा पैराशूट, और गाइस अरे भाई ये स्टार चाहिए। गाइस देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से भाई मेरा पैराशूट काम कर रहा है। अरे 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 मैं बच गया, अरे ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, मैं स्टार को नहीं ले पाया। नथिंग प्रॉब्लम भाई, अभी हम जा रहे हैं नीचे भाई, नीचे उतरने पे हम तुरंत वहाँ पर दौड़ के अपने स्टार फुल ले लेंगे। भाई एक्सेप्ट मैंने कर लिया है, और भाई देख सकते हैं मेरे पीछे भाई जो जेट पैक भी था। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।